सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अग्रणी संस्था पूर्वोचल जन चेतना समिति चैरिटेबल ट्रस्ट अजमेर के मुख्य संरक्षण एवं उद्योगपति रिजु झुंझुनवाला के निर्देशानुसार राजस्थान के लोकप्रिय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के जन्मदिन पर आज लोहागढ़ रोड स्थित अपना घर आश्रम में समिति के अध्यक्ष एवं उद्योगपति राजेंद्र गोयल के मुख्य आतिथ्य में वृद्ध एवं बुजुर्गों के साथ समारोह पूर्वक मनाया गया। समिति के शिव कुमार बंसल ने बताया कि इस अवसर पर अपना घर के वृद्ध एवं बुजुर्गों के साथ 6 पाउंड का केक काटकर बिस्कुट मिठाई फल वितरित कर जन्मदिन मनाया और सभी के साथ खुशियां बांटी। इस दौरान सभी खुश नजर आए और सभी ने मंत्री रघु शर्मा के लिए दीर्घायु होने की दुआ मांगी। इस अवसर पर शिव कुमार बंसल, सभा खान, डॉक्टर सुरेश गर्ग, राजीव गुप्ता, गजेंद्र वोहरा, सौरभ यादव, कपिल सारस्वत, अरुण कच्छावा, सुशीला गहलोत सहित समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। आज हमारे हरदिल अजीज स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री रघुजी शर्मा आपका जन्मदिन है और इस अवसर पर इंद्र देवता भी हम पे बहुत मेहरबान है। इस अवसर पर पूर्वांचल चेतना जन समिति की तरफ से हम पूर्वांचल जन चेतना समिति के मैं अध्यक्ष, मेरे साथ सेक्रेटरी महासचिव बंसल साहब और मेरे साथी अपना घर वृद्धाश्रम में हमने केक काटा, फल का वितरण किया, बिस्किट का वितरण किया और आगे भी हमने अपनी श्रद्धा हिसाब से चंदा भी दिया और आगे भी जब कभी मौका मिलेगा ऐसा हम जरूर दोबारा इस वृद्धाश्रम में जरूर आएंगे और इसी तरह इन वृद्धों की, विमंडित लोगों की जिनका दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है, मैं समझता भी हूँ, मैं सुनता भी हूँ कि जिसका कोई भी नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो आज इस ऊपर वाले ने इस अवसर पर बरसात लाके इन सभी बातों को समर्थन दिया है। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आवश्यकता होगी इस संस्था को तो हम जरूर साझे रहेंगे और सेवा का काम करेंगे। धन्यवाद। आज हमारे केंद्रीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी का एक जन्मदिन है जिसके तहत पूर्वांचल जन चेतना समिति की ओर से अपना घर वृद्धाश्रम में आए हैं और यहाँ हम लोगों ने केक काटा है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ फल और बिस्किट भी वितरण किए हैं। सबसे बड़ी बात हम लोगों ने यहाँ पूरा दिन बिता करके जो इन लोगों का दर्द महसूस कर सके हम लोगों ने किया और हम लोग समय समय पर यहाँ आकर के इन सबके साथ टाइम बिताएंगे क्योंकि हमें लगता है इनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं लेकिन इनको शायद देने वाला टाइम जो है वो किसी के पास नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से भी पूरे अजमेर वासियों को एक आग्रह करूँगी कि आप लोग आएँ, इनके पास समय बिताएँ, आपको भी अच्छा लगेगा और इन लोगों का अकेलापन भी दूर होगा। आज पूर्वांचल जन चेतना समिति का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे अध्यक्ष गोयल साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर के केक काटा, हम सब जो भी जितने भी सदस्य हैं हम सब भी आए, हम लोगों ने इनके साथ टाइम भी बिताया और केक भी काटा, पूरे बांटे और बिस्किट वगैरह भी बांटे।